हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज अपने किचन में बनाने वाले हैं पालक के कोफ्ता। दोस्तों, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। पालक के कोफ्ता तो आप हजारों बार बना के खाए होंगे, लेकिन मैं आज इसे एक नए तरीके से बनाने वाली हूँ और बिल्कुल झटपट बनकर तैयार होता है। आप इसे अपने घर एक बार बनाकर खाएंगे, बड़ों बच्चों को सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पालक लिया है। पालक को हमने अच्छी तरह से धो के और इसे हमने बारीक काट के लिया है। इसके बाद इसमें डालते हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमने काट के लिया है। अब इसे भी हम डालते हैं। हरी मिर्च को हमने डाल दिया है। अब हमने यहाँ पर लिया है एक कटोरी बेसन। अब बेसन को भी हम डालते हैं। बेसन को हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डालते हैं मसाले। हमने इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर को हमने एक साथ मिला के लिया है। अब इसमें एक चम्मच डालते हैं। मसाले को हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डालते हैं एक चम्मच नमक। दोस्तों, नमक को आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसे हम एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अच्छी तरह से हमने मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर लिया है पानी। अब इसे हम एक डो की तरह गूंद कर तैयार कर लेते हैं। कोफ्ते के मिश्रण को हमने डो की तरह बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब हम बनाना शुरू करते हैं कोफ्ते। दोस्तों, कोफ्ते को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं। अब इसी तरह से सारे कोफ्ते को हम बना लेते हैं। सारे कोफ्ते को हमने बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस को ऑन कर दिया और गैस पे अपना कढ़ाई भी रख दिया है। सबसे पहले इसमें हम तेल डालते हैं। तेल को हमने डाल दिया है। तेल को हम गरम होने देते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालते हैं कोफ्ता को। और दोस्तों, गैस के फ्लेम को बिल्कुल हमें धीमा ही रखना है। कोफ्ते को हमें ज्यादा देर बिल्कुल नहीं पकाना है। बस इसका कलर हल्का सा ब्राउन कलर हो जाए तब तक इसे हमें पकाना है। अब इसे हम दूसरी तरफ पलट देते हैं। कोफ्ते का कलर हमारा ब्राउन कलर हो चुका है। अब इसे हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से सारे कोफ्ते को हम डीप फ्राई करके निकाल लेते हैं। गैस पर तेल गर्म होने के लिए हमने पहले से रख दिया था। तेल हमारा बिल्कुल गर्म है। अब इसमें हम एक चम्मच जीरा डालते हैं और दो पीस तेज पत्ता डालते हैं। तेज पत्ता को हमने डाल दिया है। अब इसमें हम एक चम्मच राई डालते हैं। सारी चीजों को डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ी देर भूनते हैं। थोड़ी देर हमारा हो चुका है। अब इसमें हम डालते हैं हरी प्याज। हरी प्याज को हमने बारीक पीस के लिया है। प्याज को डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर भूनते हैं। थोड़ी देर हमारा हो चुका है प्याज को पकाते हुए और इसका कलर भी ब्राउन कलर हो चुका है। अब इसमें हम डालते हैं टमाटर। टमाटर को भी हमने बारीक पीस के लिया है। इसके बाद इसमें डालते हैं हरी मिर्च और अदरक को। दोनों को हमने बारीक पीस के लिया है। इसे भी डालते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप हरी मिर्च को थोड़ा ज़्यादा पीस के डाल सकते हैं। अगर आपको कम खाना पसंद है तो आप मीडियम ही डालें। अब इसे मिलाते हुए हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर अच्छी तरह से पक नहीं जाते हैं। किनारे किनारे पर तेल छोड़ दिया है और टमाटर हमारे अच्छी तरह से पक भी गए हैं। अब इसमें हम डालते हैं कटोरी दही। दही को हमने डाल दिया है। अब इसे लगातार चलाते हुए दो मिनट और भूनते हैं। दोस्तों, ये पालक कोफ्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसे पकाते हुए दो मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम डालते हैं एक गिलास पानी। पानी को दोस्तों आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। पानी को हमने डाल दिया है। अब इसमें आधा चम्मच नमक डालते हैं। नमक को आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से क्या होता है, हमारे कोफ्ते में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अगर आपके पास है जरूर डालें। अब इसे हम एक बार और मिला लेते हैं और 5 मिनट तक ग्रेवी को चलाते हुए पकाते हैं। ग्रेवी को पकाते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम डालते हैं कोफ्ता को जो हमने पहले से छान कर रखा था। कोफ्ता को हमने डाल दिया है। अब इसे हम एक बार और मिला लेते हैं। कोफ्ते को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हमने यहाँ पे लिया एक थाली। अब थाली से ढक देते हैं और 4 से 5 मिनट इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं और गैस को बिल्कुल हमें मीडियम ही रखना है। पालक के कोफ्ता को पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम चेक करते हैं। तो दोस्तों, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। अब मैं आप सबको एक बाउल में निकाल कर दिखाती हूँ।
तो दोस्तों देखा ना, झटपट बहुत ही शानदार बनके तैयार होता है। दोस्तों ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। आप इसे एक बार अपने घर बनाकर खाएंगे ना, बड़ों बच्चों को सभी को बहुत ही पसंद आएगा। जो लोग पालक नहीं खाते हैं ना, वो भी खाने लगेंगे। और दोस्तों इस पालक के कोफ्ता को अपने घर एक बार जरूर बनाइएगा। कभी कभी क्या होता है कि सारे सब्जी खाते खाते हो जाते हैं भोर, तो कहते हैं क्या खाएं क्या बनाएं आज, तो आप सब उस टाइम इसे बनाइए, सच में आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप सब हमारे तरीके से अपने घर एक बार जरूर बनाइएगा, जरूर खाइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना। अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इसे बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।